नोएडा में महिला से अभद्रता करने का मामला और इस मामले से जुड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए उत्तराखंड पहुंची है नोएडा पुलिस। आरोपी की तलाश में पुलिस कई जगहों पर दबिश दे रही है, कुछ जगहों पर सीसीटीवी भी खंगाले गए हैं। श्रीकांत की आखिरी लोकेशन ऋषिकेश में पाई गई है और इसलिए यूपी पुलिस उत्तराखंड पहुंच गई है श्रीकांत की तलाश के लिए। तो यूपी के नोएडा में महिला से अभद्रता करने का ये पूरा मामला है। इस मामले में राजनीति काफी ज्यादा गर्माती जा रही है, बीजेपी पर भी काफी ज्यादा दबाव है और पुलिस पर भी काफी ज्यादा प्रेशर है। जल्द से जल्द श्रीकांत को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो है वो कोशिश की जा रही है, कई जगहों पर दबिश दी जा रही है क्योंकि आखिरी जो लोकेशन है वो ऋषिकेश पाई गई है। तो ऐसे में नोएडा पुलिस जो है वो उत्तराखंड पहुंच गई है श्रीकांत की तलाश के लिए। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, जल्द ही गिरफ्तारी की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है लेकिन अभी तक श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार नहीं किया गया है। महिला के साथ अभद्रता करने का ये पूरा मामला है जिसमें श्रीकांत शर्मा की गिरफ्तारी की पुलिस की तरफ से कोशिश लगातार की जा रही है, दबिश दी जा रही है और जो आखिरी लोकेशन मिली है उस आधार पर नोएडा पुलिस से उत्तराखंड पहुंच गई है उसकी तलाश के लिए क्योंकि ऋषिकेश आखिरी लोकेशन यहां पर श्रीकांत त्यागी की पाई गई। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित कंडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? जैसा देखा जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी को लेकर लगातार नोएडा पुलिस दबिश दे रही है, जगह जगह दबिश दे रही है और ऋषिकेश में भी उसकी उनकी लास्ट लोकेशन देखने को मिली है और हरिद्वार में भी देखने को मिली है। हरिद्वार में हरके पौड़ी के पास वो सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आया पैदल चलते हुए लेकिन ऋषिकेश में लास्ट लोकेशन मिली है, किसी भी तरीके का भी सीसीटीवी की फुटेज या किसी भी तरीके की फुटेज पुलिस को नहीं मिली है लेकिन पुलिस जो स्थानीय पुलिस है उसकी मदद से यहाँ पर उसको दबिश जगह जगह दबिश दे रही है, आश्रम और होटलों में दबिश दे रही है और जो लास्ट लोकेशन मिली है खासकर वो ऋषिकेश और तपोवन में मिली है। तो स्थानीय पुलिस की सहायता से लगातार जो नोएडा पुलिस है वो श्रीकांत त्यागी की तलाश में जुटी है और विभिन्न टीमें अलग अलग जगहों पर यूपी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग टीमें गठित की गई है जो की श्रीकांत त्यागी को लेकर दबिश दे रही है। जी शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो जानकारी यही है कि आखिरी लोकेशन जो है वो ऋषिकेश तपोवन में पाई गई है तो वहाँ पर अब पुलिस की जो टीमें हैं तीन राज्यों की कह सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस है वो एक तरीके से पूरी तरीके से सहयोग कर रही है। यूपी पुलिस भी यहाँ पर तलाश में जुटी हुई है, नोएडा पुलिस पहुँची हुई है, उत्तराखंड की पुलिस यहाँ पर जो है वो तलाश कर रही है।